हेलो स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री की शुरुआत हम कर चुके थे लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा, समझा और हमने ये देखा उसकी प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस कैसे यूज कर सकते हैं हम, और आगे की ज्योमेट्री के अंदर किस किस तरीके से हम उसे यूज कर पाएंगे। और आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का ही है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंसी वर्ड है ना, वो सिर्फ ट्रायंगल्स के लिए यूज नहीं करते। बेसिकली ऐसे आप देखोगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स भी आपके पास हो सकती है। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ग्रुएंट फिगर्स? ऐसी दो फिगर, द टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैविंग द सेम शेप एंड साइज, उनका शेप और साइज सेम एग्जैक्टली हो तो आप उसे कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में सपोज 2 रुपए का कॉइन है और पूरे भारत के अंदर ये 2 रुपए का कॉइन आप देखते हो, सबका शेप और साइज सेम होने वाला है, पर सिलेंड्रिकल होता है और जितनी रेडियस जो आपके पास कॉइन होगा उतनी ही सबके पास कॉइन की हाइट होगी या रेडियस रहने वाली है। तो ये आपके पास 5 रुपए का सिक्का हो गया, या फिर आप ये देखते हो कि 10 रुपए का नोट है या 20 रुपए का नोट है जो इंडियन गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है, वो सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, शेप सबकी सेम है और साइज सबका सेम है। तो सिर्फ कॉन्ग्रुएंट आप ट्रायंगल्स नहीं पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स के लिए हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम बात करें, यदि हम दो लाइन सेगमेंट देख रहे हैं तो दो लाइन सेगमेंट हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं कैसे चेक करेंगे? पहली चीज तो दोनों लाइन सेगमेंट हैं, ए बी एंड सी डी दोनों लाइन सेगमेंट हैं हमारे पास, तो दोनों की शेप क्या है? सेम। शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे साइज किससे डिनोट करेंगे हम? लेंथ से। यदि दोनों हमारे पास लाइन जो है, यदि आप कह रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब ये है दोनों की लेंथ भी सेम है। तो क्या बोलेंगे हम? द टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर लेंथ आर इक्वल। यदि उन दोनों की लेंथ इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट लाइंस हैं। दूसरे हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल। दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एंगल है बी ए सी और ये वाला एंगल है ई डी एफ, और आप कह रहे हैं कि इधर दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा बताइए, एंगल कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? इनका जो मेजरमेंट है, सपोज ये 30 डिग्री है तो ये वाला भी 30 डिग्री होना चाहिए, यदि ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होना चाहिए, यदि ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए। मीन्स वॉट? टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ देयर मेजर आर इक्वल। मेजर को इस तरीके से डोंट करते हैं, मेजरमेंट ऑफ बी ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ई डी एफ। अच्छा सिर्फ इसके हम एंगल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके पास दो स्क्वायर, बेटा ये दो स्क्वायर जो हैं ये भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। अच्छा पहली चीज मैंने क्या बोला? हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। दोनों की शेप क्या है बेटा? स्क्वायर। दोनों की साइड कितनी है? इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, तो जितना आपके पास स्क्वायर बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये वाला स्क्वायर है। दूसरी एक स्टेटमेंट में आप बोल सकते हो, जब एक शेप दूसरे शेप को सुपर इम्पोज कर दे, दैट मीन्स वॉट? यदि हम एक 2 रुपए का कॉइन है और उसके ऊपर हम दूसरा 2 रुपए का कॉइन रख दें तो नीचे वाला सिक्का पूरा छिप जाता है, हाँ या ना? तो दैट इज सुपर इम्पोज। दूसरे तरीके से आप देखेंगे कि एक 10 का नोट रख रहे हैं और उसके ऊपर हम 10 का नोट रख दें तो नीचे वाला पूरा छिप जाएगा। अब जैसे एक स्क्वायर है उसके ऊपर मैं दूसरा स्क्वायर रख दूं, यदि नीचे वाला स्क्वायर पूरा छिप रहा है, दैट मीन्स वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सिर्फ स्क्वायर ही आपके पास कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, दो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। कब? जब दोनों की रेडियस सेम होगी। तो आप बोल सकते हो टू सर्कल्स हैविंग द सेम रेडियाई, दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, लाइन भी हो सकती है, एंगल भी हो सकता है, स्क्वायर्स भी हो सकते हैं। तो एनी टू ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इस पूरे चैप्टर में हम बात करने वाले हैं सिर्फ ट्रायंगल की। तो आगे देखते हैं ट्रायंगल को कब हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं और किस किस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए, हमने देखा कि आपके पास लाइन सेगमेंट भी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, आपके पास सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या आपके पास कोई एंगल हो, लेकिन इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। अब हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, बेसिक डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं? यदि मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूं और वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो गया? सुपरपोज हो चुके हैं, दैट मींस कि नीचे वाला ट्रायंगल पूरा ढक चुका है, गायब हो चुका है, दैट मींस एग्जैक्ट इस साइड का ही है वो। मैंने क्या बोला था? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है हैविंग द सेम शेप, दोनों ट्रायंगल है, हैविंग द सेम साइज,
दोनों का साइज भी सेम हुआ है। ठीक है, अब चीज ये आती है कि हम इस चीज को प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल कॉन्वेंट हैं या फिर नहीं। बेटा हमारे पास नॉर्मली ये तरीके हैं जो आप पढ़ने वाले हो। कैसे? एक हमारे पास सबसे पहला साइड एंगल साइड, इसमें देखिए दो साइड के बीच में एक एंगल है, इस चीज को हम समझते हैं। सपोज आप ये वाली साइड ले रहे हो और ये वाली साइड ले रहे हो, ठीक है, और एक दूसरी साइड ये वाली, ये वाली। देखिए पहला एक चीज मेरे ध्यान समझिए कि डबल टिक का मतलब है कि ये डबल टिक वाली साइड के बराबर है और सिंगल टिक वाली साइड सिंगल टिक वाली के साथ बराबर है। बात समझ में आ गई? ये हमारी बेसिक चीज यहां रहती है। दूसरी चीज से क्या बोल रखा है, एंगल साइड, एंगल साइड, दोनों साइड का जो बीच का एंगल है, साइड एंगल साइड, दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल। मतलब कि यदि आप बोल रहे हो कि ए बी साइड जो है वो एक्स वाई के बराबर है और ए सी साइड एक्स जेड के बराबर है, तो इसके बीच का एंगल भी बराबर होना चाहिए। यदि आप ये बोल दो सर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो बेटा ये वाला एंगल तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल होना है, तो हम इसको नहीं मानेंगे। बात समझ में आई? यदि आपको एस ए एस यूज करना है तो दो साइड के बीच का एंगल आपके पास होना चाहिए। और दूसरा देखोगे एंगल एंगल साइड, अब इसका ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, दो एंगल बराबर हो गए। अब कोई सी भी एक साइड, कौन सी, इन दोनों एंगल के जस्ट बगल वाली, क्यों, एंगल एंगल साइड, इसकी बीच वाली नहीं लेनी आपको साइड, एंगल साइड एंगल हो जाएगा फिर वो, एंगल साइड एंगल, दो एंगल के बीच वाली साइड यदि बराबर है तो एंगल साइड एंगल हो गया। बेसिकली बच्चों हम इन सारी प्रॉपर्टीज को बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। पहली एक प्रॉपर्टी, उसके बाद 7-8-10 क्वेश्चन उस प्रॉपर्टी के। नॉर्मली मानते रहो इन सारी प्रॉपर्टीज को लगभग हम 5 वीडियोस के अंदर ही कवर करने वाले हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियोस है जिसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीपीसीटी। सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है। अच्छा मेरी एक बात सुनो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से आपने दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट। लिखेंगे कैसे, इस तरीके से। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, दो ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल, और ये ऐसा साइन बना दोगे, दैट मींस इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रेंट है। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट। यदि आपसे कहा जाता है प्रूफ दैट ए बी बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, देखो बेटा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाली साइड इसके बराबर, ये वाली साइड इसके बराबर, और ये वाली साइड इसके बराबर। तो इस, अब ये आपने प्रूफ कैसे किया, क्योंकि दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो उसके सारे एंगल्स और सारी साइड्स बराबर है, तो बाय आप ले सकते हो बाय सीपीसीटी। बात समझ में आ गई? तो बाय सीपीसीटी आप ये प्रूफ कर सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या थे, कौन, मतलब ये दो साइड जो थी बीसी और वाई जेड दोनों इक्वल है, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। सीपीसीटी से आप कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब एंगल भी हो सकता है और साइड भी हो सकती है। तो जब हमें कोई अलग एंगल या साइड प्रूफ करनी हो तो बाय सीपीसीटी से हम लिख सकते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर में समझ में आया कि हम कॉन्ग्रुएंसी के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं सिर्फ ट्रायंगल का, लेकिन हमने ये जाना कि कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ ट्रायंगल के केस में नहीं होती, बॉस मतलब टू ज्योमेट्रिकल शेप्स चाहे कैसी भी हो, उन दोनों शेप्स को आप कॉन्ग्रुएंसी कवर्ड यूज कर सकते हो उन शेप्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं किस तरीके से आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं।